So friends, welcome to the series of crypto news. अगला जो टॉपिक है दैट इज द हेडलाइन इज न्यू प्राइस प्रेडिक्शन इन 23. व्हाट इज न्यू कॉइन. सो अगर हम न्यू कॉइन की प्राइस की बात करें राइट नाउ इट इज रैंकिंग एट, यू कैन सी द डिटेल्स इन कॉइन मार्केट कैप. सो इसका जो नेम है दैट इज नियो एंड इसका जो टिकर है दैट इज ऑल्सो नियो. इसका जो प्राइस चल रहा है दैट इज एट $11.06 एंड इसका जो रैंक है दैट इज 66. तो दैट मीन्स ये मिड कैप कॉइन है एंड इसका रैंक है 66. सो अगर हम इसके प्रेडिक्शन की बात करें सो दिस आर्टिकल केम आउट ऑन CCN.com एंड यू कैन सी नियो ओरिजिनली called and shares has been operating since 2014. So अगर हम इसके प्राइस की बात करें, अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे then you can see it is a pretty old coin and काफ़ी लंबे समय से ऑपरेट हो रहा है. अगर हम पब्लिक मार्केट्स की बात करें so it was listed on various exchanges in the month of January 17. The blockchain's anonymous coin is in the top 100 largest cryptos. What is next for NEO? And one prediction says that it can reach till a price of $33 in the next 2 years. So अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है इसका प्राइस 3 गुना हो सकता है. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें इन द पीरियड ऑफ 7 years तो इसका प्राइस हो सकता है $46, $140 एंड $102 के आसपास इन द पीरियड ऑफ 7 years. दैट इज अ लॉन्ग टर्म. अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का प्राइस हो सकता है $18 के आसपास, $20 एंड $33. दिस इज डन बाय वेरियस कंपनीज जैसे कि कॉइन कोडेक्स है या फिर है कॉइन कैप्टन, ऑल्ट कॉइन है, डिजिटल कॉइन प्राइस है. तो इससे बड़े बड़े कंपनीज ऐसा बोल रहे हैं कि इसका प्राइस शूटअप हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो दिस कॉइन इज लुकिंग वेरी बुलिश. सो CCN.com में यही आर्टिकल मेंशनड है कि नियो का प्राइस कितना होगा 25 में, 30 में. अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट अपडेट फ्रॉम नियो, नियो प्राइस हिस्ट्री, नियो इन 23, नियो प्राइस एनालिसिस ओवर ईयर, इज नियो अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, विल नियो गो अप और डाउन, शुड आई इन्वेस्ट इन टू दिस कॉइन, हु आर द फाउंडर्स ऑफ दिस कॉइन, हु ओन्स दिस कॉइन एंड FAQ सेक्शन एंड वाइट पेपर एंड हाउ इट वर्क्स. तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है ऑन CCN.com. यू कैन चेकआउट द एंटायर आर्टिकल. आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.